हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी आरसी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के वीडियो में मैं अपना पूरा घर जो है वो क्लीन करने वाली हूँ। और हमारा जो लंच है वो हो चुका है, और लंच में मैंने उत्तपम बनाए थे, तो किचन जो है वो पूरा फैला हुआ पड़ा है। और सुबह के बर्तन पे भी मैंने ऐसे ही रखे थे। और साथ में ये जो फ्रिज है उसको भी मैं क्लीन करने वाली हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, इसको मैंने डीप क्लीन नहीं किया है, तो फ्रिज को साफ़ करना है। और साथ में यहाँ पर जो बास्केट है रेड वाली, उसको भी मैं क्लीन करती हूँ वीक में एक बार। कभी कभी डीप क्लीन कर लेती हूँ, और कभी मैं भीना मतलब कि गीला कपड़ा लेकर पोंछ लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बर्तन धुले हुए थे उसको मैंने एक एक करके अपनी जगह पर वापस रख दिए हैं, ताकि जो ड्रेनर है वो खाली हो जाए और जो बर्तन है वो साफ़ करके मैं वहाँ पर रख सकूँ। फिर यहाँ फ्रिज में से एक एक करके सारी चीज़ें बाहर निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं फ्रिज ही क्लीन कर रही हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हो कि फ्रिज के अंदर काफ़ी मैस हो चुका है। और जब भी मैं फ्रिज क्लीन करती हूँ तो लेमन यूज़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि लेमन से क्या होता है कि फ्रिज के अंदर जो भी स्मेल आती है वो काफ़ी हद तक चली जाती है। तो एक बार तो मैं अच्छे से लेमन से रगड़ लेती हूँ फ्रिज के अंदर, और फिर जो बर्तन साफ़ करने की फैरी आती है उससे एक बार लेकर स्पंज से घिस लेती हूँ, और थोड़ी देर तक रहने देती हूँ, मतलब कि 5 या 10 मिनट तक, और उसके बाद मैं पोंछ लेती हूँ। तो यहाँ पर जो फ्रिज का डोर है वहाँ पर भी मैं घिस रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है। और यहाँ पर मैंने जो बर्तन साफ़ करने की फेरी है उसे भी अंदर घिस लिया है। तो ऋषिल जो है उसको भी क्लीन करना बहुत पसंद है। जब भी मैं क्लीन करती हूँ तो वो सामने से आकर बोलता है कि मुझे उसको सबसे ज़्यादा पसंद है हूवर करना और मोप करना, वो दो चीज़ों उसको बहुत पसंद है, तो वो आता है। और यहाँ पर मैं 5 या 10 मिनट के बाद मैंने फ्रिज को अंदर से भीना कपड़ा लेकर पोंछ लिया है, अच्छी तरीके से पोंछ लिया है। और अंदर के कुछ कुछ जो पार्ट है वो निकल रहे थे, और कुछ जो है वो नहीं निकल रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हो कि ऊपर के जो दो सेक्शन है वो नहीं निकले थे, लेकिन नीचे वाला निकल गया, तो उसको मैं अलग से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर मैं एक कोरा कपड़ा लेकर पोंछ रही हूँ। तो इससे होता क्या है कि जो पानी के जो छींटे होते हैं वो दिखते नहीं हैं, तो इसकी वजह से मैं हर बार एक बार बिना कपड़ा लेकर पोंछ लेती हूँ, उसके बाद कोरा कपड़ा लेकर भी पोंछ लेती हूँ। तो फ्रिज जो है वो क्लीन हो चुका है, और ये जो पार्ट है वो मैंने अलग से साफ़ कर लिया है यहाँ पर, और इसको मैं वापस से लगा रही हूँ। इसके बाद फ्रिज का सारा सामान जो है वो मैं एक एक करके वापस रख रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं फ्रिज को क्लीन रखती हूँ, और छोटा सा ही फ्रिज है तो क्लीन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तो मुझे जब टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं मिलता तो रह जाता है। तो ये जो फ्रिज है वो क्लीन हो चुका है इसके। तो बर्तन जो है वो धुल चुके हैं, और फिर बारी आती है बास्केट को साफ़ करने की। तो जो बास्केट है उसकी मैं डीप क्लीन करती हूँ, बर्तन साफ़ करने की जो फेरी आती है उससे मैं घिस कर साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी इतना गंदा नहीं होता तो मुझे नहीं लगती ज़रूरत उसको साफ़ करने की, तो सिर्फ मैं जो गीला कपड़ा होता है उससे ही साफ़ कर लेती हूँ और बस काम हो जाता है। उसके बाद कोरा कपड़ा लेकर पोंछ लेती हूँ। और यहाँ पर जो भी है आलू प्याज फिर फ्रूट्स वो मैंने वापस रख लिया। फिर यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म को साफ़ कर रही हूँ, और जितना भी कचरा था वो मैंने एक तरफ बिन में रख दिया है, और जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने वापस सही जगह पर रख दी है। और फिर ऑल पर्पज़ क्लीनिंग का जो स्प्रे होता है वो यहाँ पर मैंने स्प्रे कर लिया है, और गैस को मैं अच्छे से घिस रही हूँ। फिर मैं एक कपड़ा लेकर पोंछ रही हूँ प्लेटफॉर्म ऊपर और सभी जगह पर,
और यहाँ पर जो बर्तन थे वो मैंने एक तरफ रख दिया है ताकि ये जो सिंक है वो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर पाऊँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लेमन से अच्छे से घिस लिया है सिंक को, उसके बाद मैंने स्प्रे कर लिया है, फिर से घिस रही हूँ। और लेमन से इसलिए घिसती हूँ ताकि जो पानी से जो वाइट वाइट हो जाता है वो निकलने में बड़ी आसानी हो जाती है। और यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हो कि लेमन से घिसने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि एकदम नया नया जैसा हो जाता है सिंक। तो मोस्टली क्लीनिंग में मैं लेमन यूज़ करती हूँ, जहाँ पर मुझे सही लगता है वहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, सामान जो है वो इधर उधर हो गया है। और यहाँ पर जो विंडो है वहाँ पर भी मोस्टली थोड़ा सा सामान हो जाता है, तो वो मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर किचन में मैं हूवर कर रही हूँ ताकि जो भी कचरा है वो निकल जाए। और ये जो डिब्बे है उसको भी मैं थोड़ा सा इधर उधर करके पीछे थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। तो किचन का सारा काम हो चुका है, सिर्फ बाकी बचा है पोछा मारने को, वो मैं सबसे लास्ट में करूँगी। तो अब मैं दिखाने जा रही हूँ जो रूम, वो बहुत ही मैसी हो गई है बच्चों ने किया, तो ये देखो। ये है अभी रूम की हालत। हम लोग कल ये स्कूटर लाए थे तो इसका ये जो था तो बच्चों ने सारे रूम में फैला दिया है। तो हम जब कल बाहर गए थे तो एक स्कूटर लाए थे और उसमें से जो वाइट थर्मोकोल था वो बच्चों ने तोड़ दिया था, और तोड़ तोड़ कर ऐसे पूरा जो रूम में है वो फैला दिया था। और इसकी वजह से सब कुछ मैस हो चुका है, और रूम में ही नहीं लेकिन घर में भी थोड़ा थोड़ा सा हो गया है पूरे घर में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर टॉयज़ जो है उसको मैं एक में भर देती हूँ, और ये जो ऋषिल है वो थोड़ी सी मुझे हेल्प कराने आ गया था। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा सामान, जैसे कि मोस्टली तो बच्चों के जो टॉयज़ है वो ही है, क्योंकि यहाँ पर एक और दिक्कत है, मेरे पास कोई कबर्ड नहीं है तो ऐसा ही एक कॉर्नर हो जाता है। और साथ में बच्चों का जो टॉयज़ है वो भी खेलते रहते हैं तो पूरे रूम में पूरा दिन ऐसा ही रहता है। और मैं भी एक ही बार टाइडी अप करती हूँ, मतलब कि रात को ही, क्योंकि बार बार टाइडी अप कर कर कोई फ़ायदा नहीं, बच्चे हैं लोग खेलते रहते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पर सामान था वो मैंने बाहर निकाल दी, क्योंकि सामान बाहर निकालने से जगह जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है और अच्छे से हूवर हो जाता है। तो यहाँ पर मैं हूवर कर रही हूँ। तो थर्मोकोल की वजह से हूवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इस तरीके से थर्मोकोल स्टक हो जा रहा था। तो ऑलमोस्ट ये रूम का जो हूवर है वो हो चुका है। थर्मोकोल की वजह से थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, वरना इस रूम में हूवर करना टाइम बिल्कुल नहीं लगता, जल्दी से हो जाता है। तो अभी जो रूम है वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, और जो भी सामान था जैसे पहले मैंने रखा था बस उसको मैं वैसे वैसे वापस से रख रही हूँ। और बस ये जो रूम है वो क्लीन हो चुकी है, और ये जो कॉर्नर है वो ऐसा ही रहता है क्योंकि कबर्ड नहीं है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो यहाँ पर भी बच्चों ने टॉयज़ जो है वो बिखेर कर रख दिए हैं, क्योंकि वीकेंड था तो क्या करते, वो भी बोर हो जाते हैं और थोड़ा सा खेलते हैं, अच्छा लगता है बच्चों को। और मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। तो सबसे पहले तो ये जो टॉयज़ है उसको मैं बास्केट में भर लूँगी।
और बहुत जल्द ये जो सारे टॉयज़ है उसको मैं सोच रही हूँ कि सबके लिए मैं मतलब के जितने भी टॉयज़ है उसको मैं सेपरेट कर लूँ और सबके लिए मैं एक एक बास्केट बना दूँ अलग से, ताकि जब भी बच्चों को खेलना हो तो बस वही चीज़ वो निकाले और साथ में बच्चों को भी इजी रहे चीज़ को ढूंढने में। तो बहुत जल्द वो भी मैं सेपरेट करने वाली हूँ, टॉयज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो टॉयज़ है वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं और चार्मी जो है उसको डॉल्स बहुत पसंद है, चाहे छोटी हो या बड़ी। और मेरे बेटे को कार बहुत पसंद है, तो ये देखो यहाँ पर पूरी लाइन लगा दी है कार की। फिर यहाँ पर जो कॉर्नर है वहाँ पर थोड़े से कपड़े जो है वो बिखरे हुए थे, तो वो थोड़ा सा फोल्ड कर लिया मैंने और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर बेड बना रही हूँ, तो जितने भी ब्लैंकेट्स थे, रजाई थे, वो मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया और सही तरीके से मैंने बेड पर रख दिया। और बस ऑलमोस्ट ये जो बेड है वो हो चुका है। और फिर इस रूम में मैं हूवर कर रही हूँ और अब मैं पूरे घर में एक ही बार में हूवर कर लूँगी, क्योंकि जो रूम्स थे वो हो चुकी है क्लीन, तो बाकी बचा ये वाला पार्ट, तो अभी मैं वहाँ पर हूवर कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं हूवर कर रही हूँ और जब भी मैं हूवर करती हूँ तो ये जो जूते हैं उसको मैं एक तरफ रख देती हूँ और जो कॉर्नर है वहाँ पर हूवर करती हूँ, हर बार करती हूँ। तो हूवर जो है वो पूरे घर में हो चुका है और जो कचरा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है आज, मतलब कि हर रोज़ इतना नहीं होता है। और बस हूवर लग गया है और इसके बाद मैं साफ करूँगी बाथरूम। सो अभी मैं बाथरूम में आ गई हूँ और अभी ये वाला अभी मैं बाथरूम क्लीन करूँगी और यहाँ पर ये नई जो है टॉयलेट शीट वो लगा दी है, जो पुरानी थी वो टूट गई है तो काफ़ी मस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बाथरूम में जितने भी कपड़े थे धोने के वो मैंने एक लॉन्ड्री बास्केट में भर दिए है और उसको मैं बाहर रख रही हूँ। और मशीन जो है वो मैं कल करूँगी, क्योंकि कपड़े सूखे नहीं थे अभी तक इसीलिए। और यहाँ पर मैंने ग्लव्स जो है वो पहन लिया है और जितनी भी बाथरूम में चीज़ें थी गिरी हुई फ्लोर पर वो मैं एक बैग में भर रही हूँ। और इसके बाद सबसे पहले मैं बाथ टब को क्लीन करती हूँ और बाथ टब को क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पर थिक ब्लीच यूज़ किया है। और तो ब्लीच मैंने बाथ टब में डाल दिया है और स्पंज से मैं यहाँ पर अच्छे से घिस रही हूँ। तो बाथ टब के अंदर मैंने अच्छे से ब्लीच से क्लीन कर लिया है और उसके बाद मैं बाथ टब की जो दीवारें हैं मतलब के आजू बाजू की वहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लीच लेकर घिस रही हूँ और ये मैं हर वीक करती हूँ। और बस उसके बाद मैं 10 या 15 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने दूंगी, ताकि अंदर जो ब्लीच जो मैंने डाला हुआ है वो अच्छे से वर्क करे। और इसके बाद यहाँ पर जो बाथरूम का जो सिंक है वो वहाँ पर भी मैंने थिक ब्लीच यूज़ किया है और डाल दिया है। फिर मैंने स्पंज से घिस रही हूँ अच्छी तरीके से और ऊपर नीचे सभी जगह पर ही मैंने घिस लिया है। और सबसे लास्ट में मैं क्लीन कर रही हूँ टॉयलेट को।
और यहाँ पर भी मैंने ब्लीच ही यूज़ किया है क्योंकि ये जो ब्लीच है वो मैं बाथ टब में, सिंक में, फिर टॉयलेट में भी यूज़ कर सकती हूँ, तो इसलिए। और यहाँ पर मैं बाथ टब जो है वो पानी से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो बाथ टब जो है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर सिंक को मैं क्लीन कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने एक गीला कपड़ा ले लिया है और इसे मैं सिंक के ऊपर, नीचे और चारों तरफ ही पोंछ लेती हूँ। और फिर यहाँ पर भी मैंने पोंछ लिया है बाथ टब के बाहर। तो सिंक पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। इसके बाद मैं जो टॉयलेट सीट, मतलब कि टॉयलेट सीट और टॉयलेट के ऊपर नीचे, वहाँ पर भी मैं पोंछ लेती हूँ बिना कपड़ा से। और इसके लिए मैंने एक अलग कपड़ा रखा है और ये मैं हर वीकली करती हूँ ऐसे। वैसे तो मैं जो टॉयलेट है वो वीक में दो बार क्विक क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पर सबसे लास्ट में मैं फ्लोर क्लीन कर रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं जो जितना भी कचरा था नीचे वो मैं यहाँ पर डस्टपैन की मदद से क्लीन कर रही हूँ। और इस यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डस्टपैन रख लिया है क्योंकि बाथरूम जो है वो काफ़ी बड़ा नहीं है, तो छोटे से डस्टपैन से हो जाता है क्लीन और इजी रहता है, बस इसलिए। और सबसे लास्ट में मैं फ्लोर को क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पर पोछा लगाने के लिए जो कपड़ा है वो मैंने अलग से रखती हूँ। तो बस इसके बाद बाथरूम जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। तो बाथरूम अभी क्लीन हो चुका है और पूरा घर का जो काम है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। शाम होने को आई है और अभी मैं सिर्फ पोछा करूंगी, तो चलिए जल्दी से खत्म कर दे। तो फ्लोर क्लीनिंग के लिए जो यहाँ पर मैं मोप यूज़ कर रही हूँ वो टूट चुका है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है तो मैं काम चला रही हूँ। और इसके लिए मैं स्प्रे कर रही हूँ ऐसे और फिर ऐसे पोंछ लेती हूँ, इजी रहता है बस और कुछ नहीं। और यहाँ पर जो कॉर्नर में काला काला है वो निकल नहीं रहा है, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मेरे ख्याल से वो धीरे धीरे जाएगा। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर किचन में पोछा लगा रही हूँ, इसके बाद मेरा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो मेरा क्लीनिंग का वीडियो था वो आप सभी को पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको मिलती हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।